पहलवानों के समर्थन में एक बार फिर से दीपेंद्र हुड्डा की ओर से बयान दिया गया कि जंतर मंतर पर हमारी बेटियां लगातार लड़ाई लड़ रही हैं, हमारी बेटियों को इंसाफ मिले। बीजेपी की ओर से आरोपियों का बचाव किया जा रहा है, बीजेपी आरोपी को बचाने का काम कर रही है, कांग्रेस पहलवानों को इंसाफ दिलवाने के लिए लड़ती रहेगी। तो दीपेंद्र हुड्डा देखिए लगातार एक्टिव है इस धरने को लेकर, कई बार मुलाकात कर चुके हैं और 4 और 5 मई की रात जो कुछ हुआ तब भी दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे और पुलिस ने इन्हें हिरासत में भी लिया था। इनकी ओर से कहा गया कि धारा 144 भी लागू है, तो मैं जनप्रतिनिधि हूं और मैं अपनी बेटियों से मिलने जा सकता हूं, मैं अकेला कम से कम बिना अपने पीएसओ के जा सकता हूं। तो अब एक बार फिर से कहा गया है कि हम अपनी बेटियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारी बेटियां संघर्ष कर रही हैं, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। तो जंतर मंतर पर हमारी बेटियां जो धरना दे रही हैं उनको इंसाफ मिले, दीपेंद्र हुड्डा का ही बयान है। दीपेंद्र हुड्डा की ओर से कहा गया कि कांग्रेस पहलवानों की लड़ाई लड़ती रहेगी। तो दीपेंद्र हुड्डा गुरुग्राम पहुंचे थे, सुखबीर कटारिया को भी आप साथ में देख रहे हैं, पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया और पहलवानों को लेकर उन्होंने एक बार फिर से मीडिया से बात की। न्याय मिले, जंतर मंतर पे हमारी बेटियां, साथ साथ ऐसी बेटियां जिन्होंने देश के लिए मेडल लाने का काम किया, आज वो अपने मान सम्मान और अपनी इज्जत की बात के लिए वो बैठी हैं। इतना लंबा समय हो गया, देश की सरकार घमंड छोड़े और उनको न्याय दिलाई इस बात को, जहां इस देश की संस्कृति है कि किसी भी बेटी की इज्जत किसी भी और दृष्टि से नहीं देखी जा सकती, ना तो किसी राजनीतिक दृष्टि से देखी जा सकती, ना ये कोई विपक्ष बनाम भाजपा मुद्दा हो सकता, ना कोई प्रादेशिक दृष्टि से देखी जा सकती कि उत्तर प्रदेश बनाम हरियाणा मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, ना किसी जातीय दृष्टि से देखी जा सकती। हर बेटी की इज्जत इस देश के 36 बिरादरी हर वर्ग के लिए हर बेटी की इज्जत जो है उतनी महत्वपूर्ण है और उनको न्याय दिलाने का काम सरकार का है, ये राजधर्म की परिभाषा है। भाई दीपेंद्र और एक बार ये परिभाषा है और उनको दिलाया जाए। जहां तक ये सवाल है कि भाई हमारा समर्थन उनको है, पूरा समर्थन है, हम अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए, कोई भी बेटी हो, अगर वो बेटी है चाहे वो जो हमारे संदीप सिंह जो खेल मंत्री हैं उन पे जो बेटी आज तक अपने न्याय के लिए लड़ाई लड़ रही है, उसके लिए भी हुड्डा साहब खड़े हुए थे असेंबली के अंदर,